न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय हम लोग दोस्तिया में मौजूद है और दोस्तिया के पैक्स अध्यक्ष के निवर्तमान के साथ अभी हम लोग बातचीत करेंगे कुछ मुद्दों को लेकर। पूरे उत्तर बिहार के इलाकों में इस बार पैक्स के चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। प्रत्याशी नामांकन देकर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाकर बिहार सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी भी दे रहा है। इस समय हम लोग दोस्तिया पंचायत में जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके पास मौजूद है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो वर्तमान में जो अध्यक्ष जो होते हैं उनसे कई तरीके के सवालात होते हैं। इस क्यास के दौर में तमाम जो प्रत्याशी नामांकन देने के बाद एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाने के बाद जब क्षेत्र में निकलते हैं तो वहां लोगों से जनसंपर्क करते हैं, तमाम जो योजनाएं है उसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आकिब सिवन न्यूज अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, मेरा नाम भोला सिंह हुआ। अभी वर्तमान में मेरी माँ पैक्स अध्यक्ष है, इस बार मेरी भाभी उनके जगह पे आ रही है। आप निवर्तमान है, मतलब इससे पहले अध्यक्ष थे, निवर्तमान हो गए। अभी जो वर्तमान में रहते हैं, जो सत्ता में रहते हैं, उसे सवाल होते हैं। लोगों का कहना है, लोगों का क्या, ज्यादातर ये बातें निकलती रहती है कि धान अधिप्राप्ति को लेकर जो बिहार सरकार की जो रेट है वो रेट किसानों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो अपना धान दूसरे जगह बेच देते हैं। आपके तरफ से इस पर क्या पहल की जाती है? सबसे पहले आकिब जी, हाथ जोड़ करके सादर प्रणाम है दोस्तिया पंचायत के जनता को, और आपको भी धन्यवाद है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अपने चैनल पर। तो मुद्दे पर बातें हैं कि हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी है हमारे अगेंस्ट में है, उनका न्यूज भी हम देखे आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले गोदाम निर्माण पे आते हैं। आपके बातों का जवाब हम देंगे, लेकिन सबसे पहले उनका जो मुद्दा था गोदाम निर्माण, उसके बाद धान अधिप्राप्ति, गेहूँ अधिप्राप्ति, ट्रैक्टर और फसल बीमा, इन सब बातों को हम पेपर बाई पेपर आपके सामने में खोलेंगे। आज सच्चाई कितना है ये आप लोग देखेंगे और आज दोस्तिया पंचायत की समस्त जनता देखेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोदाम निर्माण की बात करते हैं। सभी पैक्स में गोदाम निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बिहार सरकार का एक अहम योजना है कि हर पैक्स में गोदाम निर्माण होना है। हम 2019 में आए, मेरी माता जी 2019 में चुनी, पैक्स प्रतिनिधि जीत करके आई। उससे पहले गोदाम के लिए लीज वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष थे श्री विनोद सिंह जी, हमारे चचा जी, तो अभी जिनका पुत्र विकास कुमार सिंह लड़ रहे हैं, तो उस समय अपना लीज जमीन कर चुके थे, 6 कट्ठा जमीन, उनसे गोदाम आया नहीं। हम जीते, हम उस पर प्रयास किए, गोदाम आया, जिसका पेपर मेरे पास है। और लीज की बात जो करते हैं, हम कैमरामैन से चाहेंगे कि वो दिखाए, इधर आकर के थोड़ा फोकस करे इस पेपर पर, और पेपर बाई पेपर वैसे हम भी डालेंगे, सभी ग्रुप में इस पेपर को डालेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा पेपर बोल रहा है। और देखिए कि लीज जो किए थे, और इसमें राणा रणधीर सिंह लीज किए थे, विनोद कुमार चंदमौली जो वर्तमान वार्ड है उस 11 नंबर वार्ड का, वो पहचान भी बने हुए हैं, ये पेपर में है, दिखाते हैं। एक भी झूठ हम नहीं बोलेंगे, अगर झूठ बोलते हैं तो फिर वो हम पर कंप्लेन करे और आए हमारे सामने बैठ करके बात करे। देखिए, जब वो लीज किए थे तो गोदाम निर्माण के लिए हम गोदाम को लाए, हम लोगों ने एस्टीमेट को तैयार करवाया, साथ में कोल्हुआ ठीका पैक्स में भी गोदाम आया, उसी समय दोस्तिया पैक्स के लिए भी गोदाम आया। यहाँ तक कि देखिए पैसा भी आवंटन हुआ, ये देखिए ये जिला सहकारिता पदाधिकारी का है, ये पैसा भी आवंटन हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि दोस्तिया पैक्स प्रखंड पूर्णैया के बचत खाता में राशि स्थानांतरण करने के संबंध में राशि भी स्थानांतरण हुआ। 17,40,000 रुपया प्रथम किस्त की राशि आया दोस्तिया पैक्स के खाता में। उसके बाद भी 17,40,000 जो रुपया आया तो वो अपने जमीन में बनने नहीं दिए, बोले कि हम अपने जमीन में बनने नहीं देंगे। ठीक किए रहते तो हमको तो कहीं ना कहीं जमीन लीज करना था, हम बनवाते। अगर आज गोदाम दोस्तिया पैक्स में रहता तो दोस्तिया पैक्स में बहुत सारा काम होता। चलिए इस बात का है, देखिए पेपर है, हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर है, हम डालेंगे सभी चीज को। उसके बाद में दूसरा मुद्दा है उनका धान अधिप्राप्ति, तो यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछिए कि भोला सिंह किरण देवी जब से जीती है तो धान अधिप्राप्ति हुआ है कि नहीं हुआ है। जा करके आप मेरे पूरे पंचायत में, गांव में घूम करके देख लीजिए, जो जो किसान इच्छुक थे धान बेचने के लिए, सभी से मैंने खरीदा है धान, और वो लोग संतुष्ट है हमसे, हमारे काम से। 10 साल उनके पिताजी
विनोद सिंह पैक्स अध्यक्ष रहे हैं 10 साल में, वो आकर के बताए मीडिया के सामने में, लोगों के सामने में कि कितना बार धान खरीदारी किए हैं। एक बार किए थे, उसके अलावा अगर दूसरा बार बता देंगे तो आप लोग जो जुर्माना कहिएगा, जो जैसे कहिएगा, मुझसे करने के लिए तैयार है। सिर्फ बात बोलने से थोड़ी होता है, बात धरातल पर भी लाना पड़ता है। अब चलिए, धान अधिप्राप्ति की बात हो गई खत्म, मेरे पास उसका भी पेपर है, जरूरी पड़ा तो हम वो भी आपको दिखा देंगे। अब चलिए इसकी बात करते हैं। राजा जो वार्ड है वो 3 मुद्दा बोला था, धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति, तो 3 मुद्दा ही नहीं है, उसे 5 मुद्दा है। आप तो पत्रकार है, घूमते भी होंगे बहुत जगह पैक्स में, क्या राशन बिकता है कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है पैक्स में? बढ़ता है सभी पैक्स में, राशन की दुकान है, खाद दोस्तिया पैक्स में क्यों नहीं है तो आपको बताते। देखिए ये रहा राशन की दुकान का लाइसेंस, जो इस पर वर्तमान उस समय का पैक्स अध्यक्ष थे जो 10 साल रहे हैं श्री विनोद सिंह जी, चचा जी हमारे, उनका फोटो है इस पर, उनका साइन है इस पर, डेट लिखा हुआ है, अनुज्ञप्ति संख्या है, लाइसेंस नंबर है, और तारीख दिया हुआ है 19/2/2011 को उनको मिला हुआ है। 10 में वो जीते थे, 2011 में उनको मिला हुआ था। और इसका वैलिडिटी देखिए, यहाँ देखिए वैलिडिटी क्या है, आप पढ़ के देखिए बताइए, आप ही पढ़ के बताइए। 18/2/2015 तक विधिमान है ना, तो 2015 और हम जीत करके आए 2019 में, तो PDS का दुकान तो ऐसे ही रद्द कर दिए, लाइसेंस रद्द करवा दिए। उससे पहले जब उनको लाइसेंस मिला था तो हमारे गांव के जो जनता है वो उस दोस्तिया दक्षिणी में जाकर के राशन लेते थे। पैक्स का लाइसेंस था यहाँ, इस पर चौहद्दी लिखा हुआ है, पता ग्राम कटैया प्रखंड पूर्णिया जिला शिवहर, और दुकान का जो चौहद्दी है आप पढ़िए, दुकान में पूर्व में क्या है बताइए पढ़िए ना, कृष्णनंदन सिंह, पश्चिम में क्या है मदन सिंह, और उत्तर में जयराम सिंह, और दक्षिण में सड़क है। तो इसमें कितना परसेंट, पेपर हम नहीं बोल रहे हैं, ये पेपर बोल रहा है, उनका हस्ताक्षर है यहाँ। देखिए अनुज्ञप्तिधारी का नाम विनोद कुमार सिंह, मान्य तिथि 18/2, बोलिए 18/2/2015 तक है। तो राशन के लाइसेंस जो था वो रद्द करवा दिए, पूछिए इन लोगों से, सब लोग बताएंगे आपको, राशन मिला है आप लोगों को जब पैक्स अध्यक्ष थे तो। आप चलिए पूछिए भाई जी हमारे, इनसे पूछिए, राशन मिला था दोस्तिया पैक्स से, वहाँ जाते थे उस पार मेला में, गांव में सभी आदमी अपना काम छोड़ करके एक दिन पूरा समय लगाता था, तो पूरा 10 साल उनका कार्यकाल का यही तो उपलब्धि है जो लोग बता रहे हैं। और चलिए अब आते हैं खाद के लाइसेंस के ऊपर। किसान को आप देखे होंगे कि साल भर पहले यूरिया के लिए दर दर भटकना पड़ा था, मिलता ही नहीं था। और जगह देख रहे हैं, खड़वा में जाइए, बिस्कोमान का खाद का ये है, वहाँ तक लोग पहुँचते थे, हमसे देखा नहीं जाता था। और देखिए खाद का लाइसेंस है, इसको भी दिखाइए, कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको भी दिखाए, खाद का लाइसेंस है, दोस्तिया पैक्स को मिला हुआ था। कब मिला हुआ था आकिब जी, आप बोल के आप देखिए डेट ऑफ इशू बताइए। 18/12/2009 में मिला था। अब वैलिड है 7/12/2017, हम तो 2019 में जीते हैं, तो पहले ही आपको मिला हुआ था। खाद का लाइसेंस अगर रहता, अगर आपका मानसिकता ठीक रहता, आज आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मुद्दा बना रहे हैं, तो आप तो हमको उंगली किए हैं बोलने पर, इसलिए हम बोल भी रहे हैं, नहीं तो हम तो चुपचाप थे। और हम नहीं बोल रहे हैं, ये पेपर हम दिखा रहे हैं, मेरा कागज बोल रहा है, अगर ये झूठ है तो आप जाइए कंप्लेन कीजिए कि भोला सिंह झूठ बोल करके हम मानहानि का दावा ठोकिए हमारे ऊपर। तो खाद भी ले मारे, किसान को आपसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और आप उस वीडियो में हम देखे हैं, राजा वार्ड बोल रहा है कि जनता की उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतरे, ठीक है बोला है, हमेशा सुने हैं, बड़ा गौर से देखे हैं उनका, तो जनता के उम्मीद पर आप खरा नहीं उतरे तो चुनाव क्यों लड़ने आ गए हैं? जनता के उम्मीद पर खरा नहीं उतरे तो क्या गारंटी है कि आप जीतने के बाद जनता के उम्मीद पर खरा उतरिएगा? आजकल के जनता समझदार हो गया है, शिक्षित हो गया है, ये पहले वाला बात नहीं है कि आप बरगला करके वोट ले लीजिएगा। और धान अधिप्राप्ति की बात करते हैं आकिब जी, तो अभी जो वर्तमान पैक्स प्रत्याशी है, उनके पिताजी 10 साल रहे तो उनका धान का क्या पोजीशन था वो तो वही समझे, लेकिन जब से मेरी माँ पैक्स अध्यक्ष बनी है तो हम उनका धान खरीदारी किए हैं। और जो राजा बोल रहा था कि मुद्दा है धान अधिप्राप्ति, तो उस राजा से जाकर के पूछिए कि उसका धान का खरीदारी हम किए हैं कि नहीं किए हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा पेपर बोलेगा, जरूरत पड़ा तो वो भी डालेंगे। हाँ, और दूसरा बात कह रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पर चलना चाहते हैं, तो आप बताइए कि आपको जनता चुनी है वार्ड के लिए,
तो आप वार्ड में क्या काम किए हैं ये भी बताइए, कई गो रोड को आप बनवा दिए हैं, पूछिए ना। 11 नंबर के जनता है हमारे नंबर के, हम वार्ड में हैं, वो एक भी काम नहीं किया है राजा सिंह, पुराने वाले अजय सिंह किया है पूरा काम, पूछिए उनसे किया है वो। मैं पुराने वाले हूँ, वार्ड को चुनना चाहता हूँ फिर से अगले बार। वही फिर से वही आ रहे हैं, समझे। सबसे बड़ी बात होती है कि जब बात न हो ना, कि जब साक्ष्य नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। अब जनता को बरगलाने का कोशिश कीजिएगा तो हर एक वोटर सावधान हो चुका है, हर जनता सावधान हो चुकी है कि आप कितना बड़ा झूठा और फरेबी है ये सब जान चुकी है। इसीलिए आप ज़्यादा उंगली मत कीजिए। बार बार सवाल उठता रहता है, ट्रैक्टर को लेकर कहा जाता है कि ट्रैक्टर पैक्स में मिलता है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अकीब जी, सच्चाई हम बता रहे हैं, मेरा बात अगर एक भी बात झूठ हो तो वो भी जाता है, वार्ड मेंबर है उसका भी अधिकार बनता है। मेरा विरोधी है वो तो विरोधी समझता है, हम तो भाई समझते हैं, अभी तक एक बार भी शिकायत भी नहीं किए हैं, लड़ते हैं जगह पर अपना। हम लोग कोई विधायक का सांसद तो है नहीं कि उंगली करेंगे जोर शोर से। ट्रैक्टर की बात है तो 7.5 लाख रुपया ट्रैक्टर का, सरकार 15 लाख का था तो 7.5 लाख रुपया सब्सिडी दिया है, और वो 7.5 लाख रुपया हमको जो धान खरीदारी करते हैं कमीशन आता है उसमें से सधाना है, ठीक है। और उसका रेट है, किसान को खेती कराने के लिए सरकार द्वारा तय किया गया रेट होता है, हमारा तय है कि इतना रुपये घंटा खेती का जुताई करते हैं रोटावेटर से तो इतना चाहिए। हमको लगता है, आप पूछिए, हम जोतवाए हैं 5 बीघा, कितना फायदा हुआ है, पूछिए उन लोगों से जो जोतवाया है, अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूछिए थोड़ा सा इन लोगों से पूछ लीजिए। सबका जुताई होता है, जुताई हुआ है, जुताई हुआ है ना भाई, और भाई जी 5 बीघा जोतवाए, इनसे पूछिए हुआ है जुताई आपका, पूछिए शिव जी भैया से, पूछिए बासित भाई से, पूछिए हमू जोतवाए 5 बीघा। पैसा की बात हम नहीं करेंगे, वो हमको कहां से भर रहा है वो हम भरते हैं। और जो ये लोग के अंदर में भरमा रहा है कि ट्रैक्टर जो है फ्री में जुताई करना है और इसका करना है, तो जाके हमको कंप्लेन, हमारे खिलाफ कंप्लेन करे डीसी ऑफिस में, जिला दूर है वो भी देखा है, वो जा करके बोले और लिखित रूप में लेकर के आए कि हाँ भोला सिंह पैसा ले रहा है अपना पैसा कमाने के लिए। हम विश्वास दिलाते हैं जिस दिन अगर ट्रैक्टर का किस्त जमा हो गया, सरकार का जो गाइडलाइन होगा कि नहीं लेना है फ्री कर देना है, हम फ्री कर देंगे पूरा ट्रैक्टर। जितना हमसे बन पड़ता है हम लोगों को मदद करते हैं। और दूसरी बात एक चीज़ और बता रहे हैं, आज जो बड़ा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, हमारे गाँव समाज में गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके यहाँ कितने की बेटी के शादी में गए हैं, सुख में दुख में साथ दिए हैं, आप पूछ लीजिएगा गांव में घूम करके पता चल जाएगा, ठीक है। वो तो उनका जो है नारा अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हाल है, ठीक है, पूछ लीजिएगा। जहां तक बन पड़ता है ना, सबके सुख दुख में साथ रहते हैं। हम पैक्स में जीते हैं तो बहुत सारा काम इसमें नहीं है, यही जो किसान के लिए है वही काम हम करते हैं। लेकिन अगर लोग हमको वोट देता है तो आप पता कर लीजिए भोला सिंह के बारे में कि आधार कार्ड भी बनवाना होता है तो अपने गाड़ी पर लेके हम जाते हैं और अपना आदमी के साथ में भेज के बनवाते हैं, इसलिए कि लोग कहे नहीं कि भोला सिंह जीता तो मेरा एक काम नहीं करवाया। हम खोज खोज करके वृद्धा पेंशन हो, मेरा जो अधिकार क्षेत्र उसे बाहर भी जाके हम करते हैं, क्या है भाई, हम तो समाज में मिल के रहते हैं। पता कर लीजिए ना किसी के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है भोला सिंह के ऊपर। और हमारे बड़े भैया जो है अभी खड़े हैं विकास सिंह जी, वो बोलते हैं कि अफवाह फैलाए तो हम हार गए, उस अफवाह का नाम क्या है बताना चाहिए था ना, अफवाह का नाम क्या है। खैर उस बात पे हम जाना नहीं चाहते हैं, तो ये सब बात हम आपको पेपर में दिखाए हैं आकिब जी, और हम उनको भी कहना चाहते हैं कि आइए अगर गलत है ट्रैक्टर का पैसा हो चाहे राशन का दुकान हो, इसके बारे में लोग को जवाब दीजिए, आइए बैठिए। फिर से अगर वो आपको बुलाते हैं तो फिर उसके बाद भी हम आपको आपके सामने आएंगे, आप आइएगा आकिब जी, फिर उसके बाद भी हम कुछ खोलेंगे। बीमा को लेकर ये भी सवाल उठता है, बीमा जो फसल बीमा होता है तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहली बात है बीमा, फसल बीमा। यहाँ क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट तैयार होता है सीओ साहब के द्वारा, क्रॉप कटिंग का रिपोर्ट जाता है पटना, उसी के हिसाब से बीमा तय होता है। एक दोस्तिया पैक्स ही पुरनहिया ब्लॉक में नहीं है या शिवहर जिला में नहीं है, 55 गो पैक्स है यहाँ पूरे शिवहर जिला में, 8 गो पैक्स है आपके पुरनहिया प्रखंड में, उन सभी के यहाँ जाके देखिए किसी के यहाँ अगर बीमा मिलता है तो आप हमको भी आकर के उंगली उठाइए, क्योंकि बीमा तय होता है सरकार के द्वारा। और हम आवेदन करते भी है, बता देते हैं एक नया बात बताते हैं, सब लोग जान जाएंगे, हम आवेदन करते हैं, मेरे पास सभी किसान का पेपर है,
हम आवेदन कर भी देते हैं, पूछिए ओटीपी भी मांगते हैं सब लोगों से, क्या शिव जी भैया ओटीपी मांगते हैं आप लोगों से, ओटीपी मांगते हैं और करते हैं। तो अगर रकबा यदि हमारे यहाँ का यदि 700 है तो आप 1400 का रकबा का फसल बीमा करिएगा तो मिलने का चीज़ है कभी? हम करते हैं 400 का, वो जाके करवा देते हैं 700 का, इसलिए कि भोला सिंह का कहीं नाम हो जाएगा, ये सच्चाई है, समझे। फर्स्ट बार जो है हम जीते थे उस बार मिला था, उन लोग अपने से खुद से आवेदन किए हुए थे, हम हर साल करते हैं, इस बार भी किए हैं सभी लोगों का। तो यही सब चीज़ है, फसल बीमा का बात तो क्लियर हो गया। और पूछ सकते हैं आप जो भी पूछना है। क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं जी, क्या लग रहा है माहौल इस बार, उम्मीद क्या लग रहा है? देखिए सबसे पहले बताते हैं कि हमको विश्वास है, हम जिस उम्मीद से जनता के साथ खड़े रहते हैं तो हमको पूरा विश्वास है कि लोग हमको चुनेगी। और लड़ाई कहीं से नहीं है, वास्तविकता यही है कि लड़ाई नहीं है थोड़ा भी, क्योंकि जो अध्यक्ष के जो वर्तमान होते हैं अध्यक्ष, उस पर कई तरीके के सवालात उठते हैं, ये लाजमी भी बनता है क्योंकि जो सत्ता में होते हैं उनसे सवालात भी उठता है। तो किन मुद्दों के साथ अपने पंचायत में आप घूम रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं, याद दिला दिए, हम भूल रहे थे। अभी सवालात उठ रहे थे, अभी वो वोट मांग रहे हैं तो किसी को कहे हैं, इनको कहे हैं कि दोस्तिया पैक्स में 10 बोरिंग आया है, 1 बोरिंग नागिंदर कुंवर को हला है और 9 बोरिंग चला गया दोस्तिया खैरा पहाड़ी में। तो हमारा कहना है कि भाई दोस्तिया खैरा पहाड़ी कोई पंजाब और दिल्ली में नहीं है, बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सरकारी जो भी चीज़ मिलता है आप भी जानते हैं, पेपर होता है ना उसका, हाँ पेपर होता है, कोई भी चीज़ अगर 1 रुपया का भी मिलता है सरकारी तो उसका पेपर होता है, तो ऑनलाइन सिस्टम है। आप पढ़े लिखे हैं, जनता को भरमाने का क्या जरूरत है? आप दिखा दीजिए और वहाँ के आदमी को बुलाइए, जिसको हम 9 बोरिंग दिए होंगे, पेपर आपके पास होगा ना, वहाँ के आदमी को बुलाइए और दिखाइए कि हाँ 9 बोरिंग सही में गया है। तो हम आपके सामने इन सब लोग के सामने कहते हैं कि कुंवर जी के बोरिंग हला है कि नहीं हला है, अच्छा बताते हैं। तो अगर यदि ये बात सच हो गया तो हम अपने निजी कोष से 20 बोरिंग कल हम हलवा देंगे, अगर उनमें है, हम चुनौती देते हैं उनको कि वो दिखाए कि 10 बोरिंग कहाँ हला है, उसके बाद कल हम 20 बोरिंग नहीं हला दिए तो हम चुनाव छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें इस क्यास के दौर में, लगातार प्रत्याशी जनसंपर्क कर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि क्या किन मुद्दों के साथ वो इस बार चुनाव रहे हैं, तमाम ये मुद्दे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम इस समय जनता भी मोटी बैठी हुई है, उनसे थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम मंडल। विक्रम मंडल जी, पैक्स अध्यक्ष के द्वारा सब कुछ दिया हुआ जाता है? सब चीज मिलता है। मिलता है यहाँ? क्या नाम हुआ चाचा? राम प्रवेश सिंह। हाँ मिलता है, धान अधिप्राप्ति हो रहा है इस बार? हाँ ना ना, बोरिंग पैक्स से कहाँ है, बोरिंग पैक्स में बोरिंग है, हम हलाए खरीद के ना हो गया पैक्स के बोरिंग। तो देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से लगातार सभी प्रत्याशी क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं और तमाम काम हुआ है, अधिप्राप्ति हुआ है। मेरा नाम रविशंकर हुआ और इस वर्तमान जो पैक्स है 5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें कहीं दो राय नहीं, और इस बार भी चुनाव 5 साल में किए हैं। क्या नाम हुआ चाचा? वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ जी बताइए। बहुत बढ़िया किए हैं काम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई तो धानो ना जो खेला ना लड़का, तो धानो जो खेला कमर लेते हैं, धानो भी लेते हैं। हम तो नामों ना जने रही ये जल लग जो धान जो खाए। हाँ मेरा नाम हुआ शिवजी कुमार सिंह, सब काम हुआ है हमको, खेती हुआ है, खेती हम 5 बीघा जोतवाए हैं ट्रैक्टर से इनका। हाँ अब 1 भी धेवा नहीं लिए, सब काम हमको किए हैं। ठीक है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार इस क्यास के दौर में पूरे उत्तर बिहार के इलाकों में एक बार फिर ठंड के साथ पैक्स का चुनाव गर्मा चुका है और तमाम जो प्रत्याशी है लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने तमाम मुद्दे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शिवहर से आकीब रेजा की रिपोर्ट।